हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 11th फिजिक्स और आज है लेक्चर नंबर 23rd और आज का टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज़ विमीय विश्लेषण की सीमाएँ। देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में विमीय विश्लेषण से ये सीखा था कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पड़े थे और उनसे ये सीखा था कि हम विमाओं की सहायता से क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सीखे थे। लेकिन बच्चों, हर चीज़ की एक सीमा होती है, जैसे हर व्यक्ति की एक सीमा है, उसके वजन उठाने की सीमा है कि वो 50 किलो तक का वजन नहीं उठा पाता है, कोई 60 किलो तक का वजन उठा लेता है, कोई 80 किलो तक का वजन उठा लेता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सीमाएँ हैं। तो वैसे ही विमीय विश्लेषण में भी एक जगह जाके हम रुक जाते हैं, उसके आगे फिर विमाओं के बस की बात नहीं रहती है। यानी विमीय विश्लेषण की कुछ कमियां भी हैं, यानी दोष भी हैं, यानी उसी को हम सीमाएं कह देते हैं, तो उनको आज हम सीखते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये बताया था, पहली कमी की बात करेंगे, पहली सीमा हमने बताया था कि विमाओं की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक संबंध स्थापित किया था, वो क्या था बच्चों, टी बराबर 2π√L/g, ये संबंध हमने स्थापित किया था बच्चों विमाओं की सहायता से। तो यहाँ एक दिक्कत आई थी, हमने विमाओं से जो संबंध स्थापित किया था वो ये था t√L/g। तो बच्चों, ये जो k है हमने उसको यहीं समाप्त कर दिया था, उस संबंध को यहीं तक छोड़ दिया था, क्योंकि विमाओं की सहायता से जो हमारा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। विमाओं की सहायता से हमने 2π नहीं लिखा है, 2π किसके आधार पर आया है, प्रयोगों के आधार पर। तो एक कमी है बच्चों विमीय विश्लेषण की, कि विमीय विश्लेषण इस विमाहीन नियतांक का मान नहीं बता पाती है। बात समझ गए बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि इसकी सहायता से हम विमाहीन नियतांक की वैल्यू क्या आएगी वो नहीं बता सकते, तो एग्जैक्ट सूत्र नहीं आ पाता है। वो राशि किस किस तरीके से अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है ये पता चल जाता है केवल। समझ गए बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं कि हमने कहा था कि विमीय विश्लेषण की सहायता से हम किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जाँच कर लेते हैं कि वो समीकरण सत्य है या असत्य। लेकिन बच्चों, वहाँ भी एक दिक्कत आती है कि वो समीकरण विमीय दृष्टि से तो सत्य हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो सत्य है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं गति का द्वितीय समीकरण लिखता हूँ, s√ut + at², ठीक है बच्चों, मार्कर बदल के देखें, s√ut + at² मैंने लिखा। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं बच्चों। देखिए, हर एक पद की विमा समान आनी चाहिए तो समीकरण कैसा होता है, विमीय दृष्टि से सही माना जाता है। तो इसको चेक करते हैं, s की विमा या s का विमीय सूत्र, s क्या है बच्चों, t सेकंड में चली गई दूरी है, दूरी है तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, L लिखेंगे। अब इस पद का देखें, UT का विमीय सूत्र देखिए, U क्या है, LT-1, क्योंकि U वेग है और वेग का विमीय सूत्र ये होता है × t, बराबर L आ गया बच्चों। देखो ये भी L, ये भी L, दोनों पदों की विमा समान आ गई। इसको और चेक करते हैं, at² का विमीय सूत्र निकालिए, A क्या है बच्चों, यहाँ त्वरण है और त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 × t² है, यानी टाइम का स्क्वायर है, यानी t² तो कितना आया बच्चों, L। अब देखें बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग बात हम बताएंगे आपको, आनंद आएगा आपको।
एक आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद से पढ़िए बच्चों फिजिक्स को, बोरियत मत लाइए। तो देखें बच्चों, इस पद की बीमा भी एल, इस पद की बीमा भी एल, इस पद की बीमा भी एल। तो हमने बीमीय समांगता के सिद्धांत से ये बताया था कि यदि किसी समीकरण के सभी पदों की बीमाएं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड के हों चाहे राइट हैंड साइड के हों, यदि सभी पदों की बीमाएं समान हैं, एक सी आती हैं, सिमिलर रहती हैं, तो वो समीकरण बीमीय दृष्टि से कैसा माना जाता है? सत्य। लेकिन बच्चों आप कह रहे होंगे कि सर को तो कुछ आता ही नहीं है, सर ने समीकरण ही गलत लिख रखी है। आप सही सोच रहे हैं बच्चों, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखी थी। तो देखिए, बीमा ये कह रही है, बीमीय विश्लेषण ये कह रहा है कि ये समीकरण सही है, लेकिन बच्चों इतना आप भी जानते हैं कि ये समीकरण वास्तविकता में सही नहीं है, क्योंकि गति का द्वितीय वास्तविक समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें और इसमें अंतर है बच्चों। तो ये बीमी दृष्टि से सही था लेकिन वास्तविकता में सही नहीं था। तो यहाँ एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये केवल बीमाओं की सीमा के अंदर तक ही बता सकती है कि सत्य है या असत्य है। यदि बीमाओं से असत्य आ रहा है तो वो 100% असत्य है बच्चों, वो समीकरण सही हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इससे सत्य आ रहा है तो डाउटफुल रहेगा, बीमी दृष्टि से सही है लेकिन वास्तविकता में सही है या नहीं है, इसकी जानकारी बीमी विश्लेषण नहीं दे पाता है। तो बीमा, क्योंकि 1/2 से बीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उससे ये सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। तो है बच्चों ये कमी बीमी विश्लेषण की, ये क्या है? डीमेरिट है, ये कमी है। अब बच्चों चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखो बच्चों, बीमी विश्लेषण से बीमा को देख करके हम उस राशि की प्रकृति, यानी कि वो सदिश है कि अदिश है, ये नहीं बता सकते। यानी ये बीमी विश्लेषण जो है हमें उस भौतिक राशि के सदिश और अदिश होने का बोध नहीं करा पाता है, की जानकारी नहीं देता है। जैसे जैसे देखें बच्चों, कार्य का बीमी सूत्र निकालें तो आता है, ये आपने निकाल लिया है बच्चों, मैंने होमवर्क दिया था, एम एल टू टी माइनस टू, ये आता है। बलाघुण का निकालेंगे बीमी सूत्र, बलाघुण उसका भी यही आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो दोनों के बीमी सूत्र समान आ गए बच्चों, और कार्य अदिश राशि है ये हम जानते हैं। तो इन बीमाओं के समान होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये भी अदिश राशि होगा, ये बता ही नहीं सकते हम। बीमाएं ये नहीं बता सकती कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो कार्य अदिश है लेकिन बलाघुण सदिश है, लेकिन बीमाएं समान हैं। तो बीमीय विश्लेषण का बस नहीं है, उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है, वो ये नहीं बता सकता कि कौन सी राशि अदिश है कौन सी सदिश है। ठीक है, इससे सदिश और अदिश होने की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है बच्चों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। चौथे पॉइंट पर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यदि बच्चों हम कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में, तो यदि उस समीकरण में कुछ ऐसे पद आए हों जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, लॉगरिदम के फंक्शन होंगे, जैसे साइन थीटा आया हो, कॉस थीटा आया हो, टेन थीटा आया हो, कॉट थीटा आया हो, सेक थीटा आया हो, कोसेक थीटा आया हो, लॉग एक्स आया हो, ई की पावर एक्स आया हो इत्यादि, तो इनकी जानकारी बीमीय विश्लेषण नहीं करा पाता है। कोई भौतिक समीकरण है जिसमें ये पद भी हों, तो बीमाओं से उन पदों के बीच में रिलेशन हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बीमा ही नहीं है। ये सब कैसी हैं? बीमाहीन राशियां हैं। समझ रहे हैं बच्चों? कोण आया हो, घन कोण आया हो, उसका रिलेशन हम इसकी सहायता से नहीं निकाल सकते। बात समझ रहे हैं? अब जैसे
उदाहरण के तौर पर जैसे फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है बच्चों, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस सूत्र की सहायता से नहीं, मतलब विमाओं की सहायता से इस संबंध को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कॉस आ गया बच्चों, क्योंकि इसकी विमा ही नहीं निकलेगी। ठीक है बच्चों, इस संबंध को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिमिट है, विमाओं की जो क्षमता थी वो यहाँ जवाब दे जाती है, हाथ खड़े कर लेती है विमीय विश्लेषण के, मैं ये संबंध स्थापित नहीं कर पाऊंगा, ये डेरिवेशन विमाओं की सहायता से ड्राइव नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉस थीटा आ गया। इतना होता तो हो जाता, समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझ में आ गया कि जिन समीकरणों में इस टाइप के पद आते हैं उनका हम, बच्चों ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ कमी हमने बता दी। पांचवी कमी देखिए, अगर कोई भौतिक राशि, देखो विमीय विश्लेषण से हम क्या करते हैं, किन राशियों, मतलब कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, वो किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, वो किन किन राशियां कौन सी हैं, किन किन राशियां कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। बच्चों राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाता है। फिर पदार्थ की मात्रा। अब बच्चों कह रहे होगे सर आपने तो मूल राशियाँ लिख दी, तो बच्चों हम इन्हीं के साथ उस किसी अन्य भौतिक राशि का क्या संबंध है, वही तो इस विमीय विश्लेषण से ड्राइव कर सकते हैं। अब मान लो कोई भौतिक राशि इनके अलावा किसी अन्य फैक्टर पर निर्भर कर रही हो, किसी अन्य कारक पर निर्भर कर रही हो, जैसे दाब पर निर्भर कर रही हो, आर्द्रता पर निर्भर कर रही हो, कि कोई राशि ऐसी है जो ह्यूमिडिटी के साथ बदल जाती है, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, तो यहाँ आर्द्रता तो कहीं है नहीं, तो इस टाइप के समीकरण भी विमीय विश्लेषण से नहीं बनाए जा सकते बच्चों। केवल इन्हीं राशियों से रिलेशन उसका हम प्राप्त कर सकते हैं, इनके अलावा किसी अन्य कारक पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने बताया आर्द्रता पर, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, उन कारकों पर अगर निर्भर कर रही है तो वो कारक आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो विमाओं के क्षेत्र से बाहर हो गए, तो विमीय विश्लेषण की सीमा वहाँ समाप्त हो गई। ऐसे रिलेशन इस विमीय विश्लेषण से नहीं बताए जा सकते बच्चों। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इन विमाओं की स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। आप कहेंगे सर स्क्रीनशॉट इसमें क्या लें हम, आप लिख तो कुछ रहे नहीं है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना, समझ लें इस चीज़ को, ठीक है ना। इनकी जो लिमिटेशंस हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया, लिख लिया, मैंने जो बोला उसका एक सारांश निकाल लिया। अब आप बड़े बच्चे हो गए, देखो जब बच्चा छोटा होता है तो पिताजी उसकी उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तभी तो उंगली पकड़ते हैं और उसको चलाते हैं, चलना सिखाते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फर्स्ट ईयर में आ जाता है, तब फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा अपनी पिताजी की उंगली पकड़ के बाजार में जा रहा हो, कल्पना करें तो सब पागल बताएंगे, सब हंसेंगे आप पर, अरे इतना बड़ा हो गया और अब भी पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है। तो बच्चों हमारी उंगली अब मत पकड़िए, अब आप 11th में आ गए हैं, आप चीज़ों को समझें, उससे निष्कर्ष निकालें और उसको लिखें, ये आदत डालें, किताब खोल के बैठें, हमने जो बोला उसको सुने, किताब से देखें, उन सबको मिला करके एक बढ़िया सा, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे आप किताब को पलटेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, उससे आपको लिखते समय, नोट्स बनाते समय ही वो टॉपिक याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कमी पर। देखो बच्चों होता क्या है कि कभी कभी क्या मैंने अभी जो बिगाड़ा है कि कुछ भौतिक राशियों की विमाएं एक सी होती हैं, यदि किसी समीकरण में एक जैसी विमाओं वाली कई राशियां आ गई हों तो उसकी स्थापना
उस सूत्र की, उस समीकरण की स्थापना इस भूमि विश्लेषण से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों की विमाएँ सेम हो गई तो ये ही नहीं पता चलेगा कि कौन सी घात किसकी आ रही है। समझ रहे हैं बच्चों? जैसे मैं समझाता हूँ, घबराइए नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आप कहेंगे सर क्या बोला, क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूं बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक, चूंकि ये नहीं, आप इलेवेंथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये एक भौतिक राशि है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ये हम पढ़ाएंगे। तो अभी हम, अभी आप समझ लें कि सर लिख रहे हैं वो सही है, सूत्र लिख रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसके बस के बाहर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर होता है बच्चों एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल। ये एक रिलेशन है बच्चों, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्व त्वरण है, एल लंबाई है और स्मॉल एल लंबाई में परिवर्तन है। जैसे किसी तार को, जैसे ये कोई तार है बच्चों, अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, ध्यान से समझें, ये कोई तार है तो जब तार लटका होगा तो इसमें इलास्टिसिटी के गुण के कारण ऐसे जब लटकाएंगे इसको तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी अपने भार के कारण, तो इसका भार जो है एम जी है, द्रव्यमान एम है, गुरुत्व त्वरण लगा दिया तो भार हो गया, और पहले लंबाई कितनी थी एल थी यहाँ तक, और ये जो बढ़ गई इतनी लंबाई दिस वन, ये वृद्धि जो हो गई लंबाई में वो हो गई स्मॉल एल। तो ये समीकरण मिलेगा, पूरा नहीं पढ़ा रहे बच्चों अभी, ये तो पढ़ाएंगे आगे चल के। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र में देखिए ये भी लंबाई है, इसकी विमा भी एल होगी, ये भी लंबाई है, इसकी विमा भी एल होगी, ये भी लंबाई है, आर मतलब इसकी त्रिज्या है तो वो भी तो एक लंबाई है, तो इसकी भी डायमेंशन एल है। तो इस समीकरण को जब आप विमीय दृष्टि से सॉल्व करेंगे तो इनकी विमाएं एक ही जगह एडजस्ट होंगी, तो विमीय दृष्टि से ये सूत्र जब निकालेंगे तो वो अलग अलग अंतर नहीं कर पाएगा कि बड़े एल की पावर कितनी है, छोटे एल की पावर कितनी है और आर की पावर कितनी है, ये बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों पदों की विमाएं एक सी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि विमीय विश्लेषण की सीमा वहाँ समाप्त हो जाती है, विमीय विश्लेषण वहाँ फेल हो जाता है जब किसी भौतिक समीकरण में, किसी व्यंजक में समान विमाओं वाली कई राशियाँ मौजूद होती हैं तो उनको वो अलग अलग नहीं बता सकता। कैसे? विमीय दृष्टि से हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो एल बटे आर स्क्वायर अपॉन एल है, जब आप इसकी विमाएँ हल करेंगे तो ऐसे ही तो आएगी, एल लंबाई की एल, आर स्क्वायर एल टू और ये एल आएगी तो ये एल माइनस टू आ गई। तो विमा क्या करेगी कि इन तीनों पदों की जगह, यानी इस पद की जगह एम जी और एल माइनस टू, ये संबंध निकाल देगी। विमीय दृष्टि से जब आप समीकरण निकालेंगे विमाओं का उपयोग करके तो ये आएगा, जबकि वास्तविकता में ये है और ये तो गलत है बच्चों, ये तो गलत है। तो ये फेल हो गया विमीय विश्लेषण से, हम ऐसा व्यंजक या ऐसा संबंध नहीं बता सकते जिसमें समान विमाओं वाली कई राशियां उपस्थित हों। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है ना? एक पॉइंट और देख लें बच्चों, ये कौन सा पॉइंट था, वो पॉइंट ही हटा दिया हमने, शायद ये सिक्स्थ था, सिक्स पॉइंट रहा होगा, जो भी रहा हो बच्चों डाल लेना, पॉइंट से थोड़ी यहां पर कोई ऐसी बात हो रही है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों बात समझ गए, ठीक है ना? तो एक सी विमाओं वाली एक से अधिक राशियां अगर उस समीकरण में उपस्थित हैं, एक बच्चों ये मच्छर यहाँ घूम रहा है, ये सब हमारे वीडियो को ख़राब कर रहा होगा, लेंस के सामने आ जाता है,
तो हम विमीय विश्लेषण से उस व्यंजक को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बच्चों देखो एक और उदाहरण दे रहा हूँ, एफ बराबर दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ दो एम हैं तो उसमें एम वन और एम टू में अंतर नहीं कर पाएगा, वो तो सीधा सीधा रिलेशन दे देगा। जब हम संबंध स्थापित करेंगे कि एफ बराबर के एक नियतांक आ जाएगा एम वन, वो एम वन एम टू की जगह वो सीधा सीधा एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कर देगा, क्योंकि वो विमाएँ एम वन और एम टू में अंतर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा, जबकि वास्तविकता में ये है दिक्कत हो गई। और इस जी का मान भी नहीं बता पाएगा इस कॉन्स्टेंट का। जब आप संबंध स्थापित करेंगे तो इस टाइप का संबंध भी स्थापित नहीं हो पाएगा, एम में अंतर कर ही नहीं पाएगा, और इस के का मान जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये बच्चों विमा वाला नियतांक है, विमा है इसमें। तो जिस समीकरण में, हाँ एक पॉइंट और, चलो ये तो छठे पॉइंट की बात हो गई, ये तो मैंने ये बताया कि एक सी राशि के अगर कई पद हैं तो नहीं निकलेगा। और एक बात और, अगर किसी समीकरण में विमा वाला नियतांक मौजूद है तो भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस जी की विमा होती है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालते हैं हम। मैं बताऊं विमा निकाल कैसे निकालते हैं, जैसे देखो बच्चों ये विमा ही नहीं आएगा। एक हमने बताया था टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो इसमें तो 2π विमाहीन था, तो ये हमने डिराइव कर लिया था कि t बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी, ये संबंध स्थापित कर लिया था विमाओं की सहायता से। लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे, दो दो कमियां हो गई, एक तो एक सी राशि के दो पद हो गए यानी छठा पॉइंट, और एक दिक्कत ये हो गई कि इसकी विमा होती है, ये विमाहीन नियतांक नहीं है बच्चों। तो इस समीकरण को भी हम विमीय विश्लेषण से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखें बच्चों इस जी की विमा होगी, जैसे जी बराबर निकालूं बच्चों तो क्या आएगा, जी बराबर एफ इन टू आर स्क्वायर बटे एम वन एम टू, विमा निकालिए, जी बराबर एम एल टी माइनस टू, बल की विमा लिख दी, बल का विमी सूत्र लिख दिया, इन टू एल टू क्योंकि आर स्क्वायर है, बटे एम इन टू एम एम टू हो गया। ठीक है बच्चों, ये हुआ दिस वन, यहाँ से इधर चल रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए इसकी विमा आ रही है कि नहीं आ रही है। ये विमाहीन नियतांक नहीं है, विमा वाला नियतांक है, m माइनस वन हो जाएगा और l थ्री हो जाएगा, l थ्री और t माइनस टू हो गया, ये हो गई बच्चों विमा। तो इसकी तो विमा है, 2π की तो कोई विमा थी नहीं, वो विमाहीन नियतांक था। तो जिस समीकरण में विमा वाले नियतांक अगर आते हैं उसकी स्थापना भी हम विमीय विश्लेषण से नहीं कर सकते। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं कर सकते, तो बच्चों आप करके देख लेना कि मान लो बल एफ इस पर इस पर इस पर और इस पर निर्भर कर रहा है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे, सब विमाएं मिक्स हो जाएंगी, ये रिलेशन मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इतना तो मिल जाएगा लेकिन ये थोड़ी मिल जाएगा। तो खैर, आप लोगों ने देखा कि विमीय विश्लेषण की अपनी एक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो आपने बच्चों इसकी अच्छाइयां भी पढ़ लीं, अच्छाइयां क्या थीं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थीं कि इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, विमा से मात्र ज्ञात कर सकते हैं और कई राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक पद्धति से किसी मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे और आज लिमिटेशंस पढ़ ली। तो बच्चों अब आप खुश हो जाइए क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हैज़ बीन क्लोज्ड। अब हम एक शब्द भी इस पाठ का नहीं बोलेंगे, ये पाठ हमने आज समाप्त कर दिया। तो बच्चों एक नए जोश के साथ कल आइएगा, क्योंकि कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एक सरल रेखा में गति। तो देखिए अब गति की बात करेंगे, बहुत बातें हो गई मापन की, मात्रक की, त्रुटि की, विमाओं की, अब किसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में, गति की। अब गति तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, गंगा में पानी बह रहा है, गति कर रहा है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है पानी बहता है तब, है ना। सड़क पर बसें चल रही हैं,
पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही है, कितनी अच्छी लगती हैं मोशन, गति। तो बने रहिए इस चैनल पर और कल के लेक्चर का इंतजार करिए, जिसमें नया चैप्टर नए जोश के साथ। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।